आप क्यों हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? आपको अगर बात करनी है तो आप रोजगार की बात करिए, आप बच्चों को शिक्षा किस स्तर पे देना चाह रहे हैं उसकी बात करिए। 10 मार्च को आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये फैक्ट पूरी तरह से करेगा। और यूपी के अंदर जिस तरह से मैं वहाँ गई, मैंने देखा, 10 दिन वहाँ कार्य करके आई मैं, वहाँ की महिलाओं ने पूरी तरह से मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। हमारे 5 जगह विधान, अरे गुरुजी एक मिनट, 5 जगह हमारे विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं देश में, और मैं समझती हूँ 5ों जगह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हिंदुस्तान की जनता उनके दोहरी कायाकल्प, दोहरी नीति को समझ चुकी है, और देश की जनता ने अब अंगड़ाई ले ली है। उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। ये देश के लिए एक परिवर्तन का समय है, और जनता समझ चुकी है जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज केंद्र सरकार, यूपी सरकार ना बेरोजगारी की बात कर रही है ना महंगाई की बात कर रही है, सिर्फ कभी हिंदू मुसलमान की बात करके देश को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही, तो इससे पेट नहीं भरने वाला। आप क्यों हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? आपको अगर बात करनी है तो आप रोजगार की बात करिए, आप बच्चों को शिक्षा किस स्तर पे देना चाह रहे हैं उसकी बात करिए। आपने महंगाई पे लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया उसके बारे में बात करिए। ये मुद्दों की बातें हैं जो देश की जनता के लिए करने हैं, इनसे अलग हटके सिर्फ आप सांप्रदायिक बातें करके इस देश के गरीबों का, ज़रूरतमंद लोगों का पेट नहीं भर सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4ों विधानसभा चुनाव जहां पर हैं वहां की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 10 मार्च को आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। बीजेपी कह रही है कि हमको 300 सीटें पार करेंगे। देखिए, वो कुछ भी कहें, वो उनका जुमला है, लेकिन क्यों इतने केंद्रीय नेताओं को, केंद्रीय नेतृत्व को, कई तरह के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ा रहना पड़ रहा है? अगर उन्होंने सुशासन दिया था तो क्यों पड़ा रहना पड़ रहा है? जनता अपने आप वोट देगी ना। कहीं ना कहीं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको इस तरह की हरकतें करके एक दमनकारी नीति के तहत वहाँ पे वोट मांगे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री दी, जिन्होंने राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए, जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से आए, वहाँ की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है उनकी दमनकारी नीति में नहीं आएगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितना एहसास करेगा? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये फैक्ट पूरी तरह से करेगा। और यूपी के अंदर जिस तरह से मैं वहाँ गई, मैंने देखा, 10 दिन वहाँ कार्य करके आई मैं, वहाँ की महिलाओं ने पूरी तरह से मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। प्रियंका गांधी जी को मजबूती के साथ ताकत मिल रही है उत्तर प्रदेश की महिलाओं का, बच्चियों के लिए वो एक तरह से सुपर हीरो बन चुकी हैं, क्योंकि वो आवाज़ उठा रही है उन बच्चियों का। मैं समझती हूँ ये नारा निश्चित तौर पर बहुत कारगर साबित होगा।